नमस्कार। वैसे तो हमारे दोस्त काफ़ी रहते हैं और कई हमारे दोस्त हैं जो हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, लेकिन जो काम किताबें कर पाती हैं कई जगहों पर वो दोस्त नहीं कर पाते। तो इसलिए हर व्यक्ति हमें बताता है कि हमें किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाकर हमेशा रखना चाहिए और हमेशा जो किताबें हैं उनको पढ़ते रहना चाहिए। तो काफ़ी समय से मेरी एक बहुत अच्छी आदत जो मैं अपने आप में मानता हूँ कि मैं किताबों से दोस्ती कर बैठा हूँ और समय के साथ कई किताबें मैं पढ़ते जा रहा हूँ। अब जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो ये जेम्स क्लियर की पुस्तक है, एटॉमिक हैबिट। यूँ तो मैंने इसे पढ़ लिया है लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाने के लिए ये किताब मैं पुनः एक बार पढ़ रहा हूं। तो इस किताब को आप तक पहुंचाने से पहले मैं इस किताब के बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूं। एटॉमिक हैबिट जिस किताब का शीर्षक है वो अच्छी आदतें विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आसान और अचूक उपाय बता रही है। जेम्स क्लियर जो कि अच्छे खासे लेखक हैं, लाखों प्रतियां इस पुस्तक की बिक चुकी हैं, वो इस किताब में हमें हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं। चूँकि ये किताब हिंदी में आई है, हालांकि ये किताब इंग्लिश में है लेकिन इसको हिंदी अनुवाद जो दिया है वो डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी हैं और मंजुल पब्लिकेशंस हाउस द्वारा इस पुस्तक को परिवर्तित किया गया है। एटॉमिक जो शब्द दोस्तों लिया गया है वो किसी चीज़ की बेहद छोटी मात्रा, किसी बड़े सिस्टम की अकेली इकाई जिसे घटना संभव नहीं हो, बृहद ऊर्जा या शक्ति का स्रोत। और हैबिट जो कहते हैं उसे एक दिनचर्या या दस्तूर जिसे नियमित रूप से किया जाता है, किसी विशेष स्थिति में भी यह सुचालित रहती है तो यह हैबिट है। यानी कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको अगर हैबिट डालनी है, आपकी अगर हैबिट डल गई है तो आप उस काम को जरूर करेंगे, उससे हम हैबिट समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में या इस पुस्तक में जो बातें हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद आज की वीडियो में हम परिचय में जो कहानी दी गई है उसको कवर करेंगे। तो इस पूरी किताब में सबसे पहले तो परिचय है जिसका पेज नंबर 11 है और वहाँ पर लेखक ने अपनी पूरी कहानी दी हुई है कि उनने हैबिट कहाँ से डाली। उसके बाद बुनियादी बातें जो छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क डालने में मदद करते हैं। तो इसमें दोस्तों 3 अध्याय हैं जिसमें छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में बताया गया है। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय कर सकती हैं और इसका विपरीत भी कई बातों को उसमें लिया गया है। और 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे डालें, अध्यायों की एक श्रृंखला बनाई हुई है उसमें 3 अध्याय शामिल हैं, उसमें इन बातों पर कवर किया गया है। उसके बाद अगले जो अध्याय हैं उनमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम लिया गया है। इनमें आप आदत डालने के लिए नियम बताए जा रहे हैं जिसमें पहले नियम में 4 अध्याय हैं। वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था उसके बारे में बताया गया है। नई आदतें विकसित करने का तरीका सर्वश्रेष्ठ जो है उसको विस्तार से दिया गया है। प्रेरणा को जरूरत से ज़्यादा महत्व जबकि परिवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अध्याय ये भी है। और आत्मनियंत्रण का रहस्य पहले नियम में शामिल किया गया है। उसके बाद जो दूसरा नियम है वो किसी आदत के प्रति आकर्षक कैसे बनाएं, मतलब जो कोई आदत है उसके प्रति हम अपना आकर्षण कैसे बनाएं, एक दूसरे नियम का अध्याय पहला है। और आपकी आदत डालने में परिवार, मित्रों और अन्य लोगों की भूमिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं हमें निर्मित करने में मदद करता है, तो उसी के लिए
ये जो अध्याय लिया गया है कि परिवार और मित्रों की भूमिका आपकी आदत डालने में क्या रहेगी। उसके बाद अपनी बुरी आदतों का कारण खोजना और उसे दूर करना, दूसरे नियम के तीसरे अध्याय में बताया गया है। दोस्तों, तीसरा जो नियम है, तीसरे नियम में बताया गया है कि जो आकर्षण के नियम है उनको आसान कैसे बनाएं। अभी हमारी कुछ दिन पहले मेरी एक सीनियर से बात हुई, तो वो किन्हीं बातों को लेकर अपनी तैयारी कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम, आपका अध्ययन कैसे चल रहा है और कैसा क्या जीवन में दिनचर्या है। तो वो अपनी दिनचर्या से सेटिस्फाई तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो जीवंत मुझे याद रहेगी। उन्होंने कहा कि भले ही हम अपनी चाह के अनुसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बात की हमें संतुष्टि है कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, हम बैकवर्ड नहीं हो रहे। तो ये जो कहानी है वो यहाँ पर भी लागू होती है। जो तीसरा नियम है उसमें अध्याय एक में लिखा है कि धीमा चलें लेकिन पीछे की तरफ नहीं चलें। उसके बाद न्यूनतम प्रयास का नियम, टालने की आदत रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करना, और अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं, इनको भी इस पुस्तक के तीसरे नियम में अध्याय के रूप में दर्ज किया गया है। उसके बाद जो चौथा नियम है, तो उसमें संतोषप्रद बनाने के लिए बात बताई गई है। उसमें पहला अध्याय है व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम, हर दिन अच्छी आदतें कैसे कायम रखें, साझेदार के प्रति जवाबदेही हर चीज में बदल सकती है। यानी कि साझेदार के प्रति जो हमारी जवाबदेही रहती है वो हर चीज को परिवर्तित कर सकती है। इस पर भी एक अध्याय पूरा का पूरा लेखक ने तैयार किया है, तो ये वो है। उसके बाद है उन्नत रणनीतियाँ, इसका पूरा का पूरा एक अध्यायों की एक श्रृंखला है जिसमें प्रतिभा का सच, जीन्स कब महत्वपूर्ण होते हैं और कब नहीं, इसके बारे में बताया गया है। गोल्ड लॉक का नियम, जीवन और कामकाज में कैसे प्रेरित बने रहें, यह बताया है। और अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पहलू, इस पर भी एक अध्याय है। उसके बाद निष्कर्ष है स्थायी परिणामों का रहस्य। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा जो पुस्तक का स्ट्रक्चर है वो है। उसके बाद परिशिष्ट आता है और इसके बाद क्या पढ़ें, इसके बारे में बताया गया है। 4 नियमों के छोटे सबक, इन विचारों को व्यवसाय में लागू कैसे करना है, जो हमने सीखा उनको कैसे व्यवसाय में लागू करना है और अपने परिवेश में उसे कैसे ढालना है, यह पूरी इस पुस्तक में बताई गई बातें हैं। तो अब इस पुस्तक की श्रृंखला में हम इसी तरह से बात करेंगे, और मैं हर रोज एक चैप्टर पढ़ने के साथ आपको उसका जो सार है वो बताने की कोशिश करूँगा। और एक कोशिश मैं ये भी कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको भी साथ साथ रिकॉर्ड करते चलूँ और पूरी किताब वो शब्द बाई शब्द आपको प्रस्तुत करूँ। तो ये 2 चीज़ें मतलब मैं इस पूरी श्रृंखला में करने वाला हूँ। तो आशा है आप इस किताब को सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ बने रहेंगे, और अगर कुछ बोलने, कुछ आप तक समझाने में मुझ में कोई त्रुटि है तो वो भी आप मुझे बताने की कोशिश करें, तो हम प्रयास करेंगे कि उसमें भी मैं सुधार कर सकूं। तो स्वागत है आपका एटॉमिक हैबिट्स नामक इस पुस्तक की दुनिया में। अब हम इस पुस्तक के परिचय की ओर बढ़ेंगे अगली वीडियो में।